बड़ी खबर इस समय इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष की बैठक में तीन बड़े एजेंडे पर चर्चा इस समय चल रही है। पहला सीट शेयरिंग पर, दूसरा संयोजक और चेयरपर्सन पर और तीसरा वैकल्पिक एजेंडा तय करने पर चर्चा हो रही है। बैठक में विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया गया है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सीट शेयरिंग है। अंजलि का मैं रुख करना चाहूंगी। अंजलि बताइए क्या कुछ चल रहा है, तीन एजेंडे हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, आपके पास क्या अपडेट? जी देखिए बिल्कुल, ये तीन एजेंडे जो हैं इन पर ही प्रमुखता से इस समय बैठक में चर्चा चल रही है, जिनमें सीट शेयरिंग का एक मसला है। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, 400 से 450 जो सीटें हैं उसके बीच एक सीट एक कैंडिडेट का जो फॉर्मूला है, ये कैसे इसको अमल में लाया जाए, इस पर विचार जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस को कई सीटें जो हैं वो त्यागनी पड़ सकती हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा जो ये कि अब तक विपक्षी पार्टियों को अलग अलग चुनाव में या अलग अलग रैलियों में भाषणों में हमने सुना है कि मोदी हटाओ का नारा है, उस एजेंडा को पीछे रखने की कोशिश की जाएगी, यानी कि मोदी हटाओ के नारे की जगह एक वैकल्पिक एजेंडा तैयार किया जाएगा, जिसमें बीजेपी की पिच पर खेलने के बजाय, यानी वो मुद्दे जो बीजेपी जिन पर जोर देती है चुनावों के दौरान, उन मुद्दों से हटकर जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको चिन्हित किया जाए और वो एक समावेश करके इन तमाम मुद्दों का एक एजेंडा तैयार किया जाए, जिस पर ये पूरा सांसदों के निलंबन पर भी आज चर्चा हुई अंजलि, उस पर क्या कुछ हुआ और क्या क्या पक्ष रखे गए पक्ष के नेताओं के द्वारा या इंडिया गठबंधन के पार्टियों के द्वारा? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ये मुद्दा रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक सांसदों का, विपक्ष के सभी सांसदों का निलंबन एक के बाद एक कई सांसदों का हुआ है, उसको भी इस पूरी बैठक में प्रमुखता से चर्चा में लाया गया है और उस पर ये बात तय की गई है कि इसको भी एक एजेंडा बनाकर जनता के सामने पेश किया जाए कि किस तरह से विपक्ष को उसकी आवाज़ रखने का मौका जो है वो संसद के अंदर भी नहीं दिया जाता। यानी जिस एजेंडा की हम बात कर रहे हैं कि एक साझा एजेंडा बनाकर, साझा रैली करके साझा एजेंडा पेश किया जाएगा, उसमें ये मुद्दा जो है वो बेहद प्रमुखता से रखा जाएगा और लोगों के बीच इसे किस तरह से पहुंचाना है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये संदेश लोगों के बीच में किस तरह से ले जाना है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये तमाम पार्टियां जो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं इन्हीं के वो सांसद हैं जिनका निलंबन एक के बाद एक किया जा रहा है, तो ऐसे में संसद के अंदर तो इस पर बहस हो ही रही है, लेकिन संसद के बाहर जनता के बीच इसको कैसे ले जाना है, कैसे इसका एजेंडा बनाना है, कैसे इसको मुद्दा बनाना है, इन तमाम चीज़ों पर सहानुभूति बटोरने का बड़ा मुद्दा था ये, लेकिन मिमिक्री कर वो भी मुझे लगता है कि हाथ से निकाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका, नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगी।